जैसे कि पेट की तकलीफ या बुखार वगैरह, उसी तरह जल्दी अमराज भी बहुत सीवियरिटी, बहुत शिद्दत के साथ मरीजों में आए हैं हमारे पास केसेस। यहाँ सिर्फ उन कैंप्स की बात नहीं हो रही है जहाँ मरीजों के पास जाके लोग जो है मॉलेज जो है वो उनको इलाज दे रहे हैं, हमारे पास भी ओपीडी में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मरीज जो कि सैलाब ज़दा जगहों से, जहाँ पे सैलाब आए हैं वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ कराची में आए हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, उनमें से कुछ बलोचिस्तान के हैं, शिकारपुर का नाम लिया है, कुछ ऐसे एरियाज जो कि देही इलाके जो कि पूरे जिसमें उनके घर बह गए। जो सबसे ज्यादा बीमारी उनमें देखी गई है और जो पाई गई है उसमें जो है वो सूखी खारिश, यानी जिसमें छोटे छोटे दाने जिस्म में हो जाना जो कि एक दूसरे में को ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह उनमें दाने होने के अलावा फोड़े और जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बहुत कॉमनली देखे गए हैं। और ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों का रीज़न ये है, एक तो ये कि इन हालात में वो अपनी सफाई का ख्याल कैसे रखते हैं, उनके लिए कैंपिंग अरेंज की गई तो उसमें ऑब्वियसली जो शेयरिंग हुई है बेडशीट्स क्लोथिंग वगैरह का या फिर हाइजीन का जो ख्याल वो लोग नहीं रख सके, उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत इजाफा हो गया है। इसी तरह अगर इन मरीजों में देखा जाए कि उनकी ट्रीटमेंट का हम क्या कर सकते हैं या उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसमें यह है कि जितना ज्यादा सफाई का ख्याल रख सकते हैं, एक अपना ऑब्वियसली वो अपने सफाई का ख्याल रखें, अच्छे साबुन का इस्तेमाल करें, एक दूसरे की जो क्लोथिंग है वो शेयर ना करें। बहुत से बहन भाइयों ने दिल खोल कर उनकी इमदाद भी की है, तो जो कपड़े हैं उनको वॉश करके यूज करें और क्लोथिंग शेयर करने से अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा ये है कि वो कौन से लोग हैं जो ज्यादातर इन्वॉल्व हुए हैं, जिसमें कौन से मरीज, यानी सब जल्दी अमराज में मर्द, खवातीन, बच्चे, तमाम लोग इंक्लूडेड हैं जिसको जल्दी अमराज ने मुतासिर किया है। लेकिन देखा यह गया है कि बच्चे सबसे ज्यादा इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं और सबसे ज्यादा जो उनको अफेक्ट किया गया वो बच्चे ही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैंने उनमें सूखी खारिश देखी है, फोड़े फुंसियाँ देखे हैं, यहाँ तक कि उनके सर में कीड़े भी पड़ गए थे। कुछ बच्चे ऐसे आए हैं जिसमें कीड़े पड़ गए थे, जिसको कहते हैं मैगट्स इन्फेस्टेशन या वर्म इन्फेस्टेशन, तो उसको फिर हमने सर्जरी के साथ मिलकर डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट और सर्जरी डिपार्टमेंट ने मिलकर उसको ट्रीट किया। और उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि तमाम वो हजरात और खवातीन जो कि सैलाब ज़दा इलाकों से मुतासिर होकर यहाँ कराची में आए हैं, यहाँ पे सरकारी अस्पताल बने हुए हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे अद्वियात की भी फरहमी है,